नमस्कार दोस्तों, आपके अपने वैदिक एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों का 1 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। इस नवरात्रि में स्पेशल वृश्चिक राशि वालों की होगी 3 ख्वाहिश पूरी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इसमें कही गई बातें आपको अच्छे से और स्पष्ट समझ में आ सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातकों की कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ कहाँ विराजमान हैं और आपको कितने अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत एक कुंडली बनी हुई है जो कि वृश्चिक राशि वाले जातकों की है, वो भी अक्टूबर 2024 की है। तो आपके फोर्थ हाउस में कुंभ राशि के साथ शनिदेव विराजमान हैं। आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस में मीन राशि के साथ राहु देव विराजमान हैं। वहीं आपके सेवंथ हाउस में वृषभ राशि के साथ देव गुरु बृहस्पति विराजमान हैं। आपके एट्थ हाउस में मिथुन राशि के साथ मंगल देव विराजमान हैं। आपके एलेवंथ हाउस में कन्या राशि के साथ केतु बुध और सूर्य देव तीनों एक साथ एलेवंथ हाउस में विराजमान हैं। वहीं आपके ट्वेल्थ हाउस में तुला राशि के साथ शुक्र देव विराजमान हैं। अब आइए जान लेते हैं कि जो राशि के स्वामी बनते हैं वो कहाँ पर विराजमान हैं। जैसा कि आपकी राशि है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल देव कहाँ जाके बैठे हैं? एट हाउस में। कुंडली में आठवां घर अच्छा नहीं माना जाता है और वहीं जाके आपके स्वामी विराजमान हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको दिक्कत देने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अक्टूबर 2024 में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों, आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो सेवन्थ हाउस में विराजमान हैं। वहीं आपके एट हाउस में मंगल देव विराजमान हैं। तो खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिएगा, सर्दी जुकाम से बचिएगा और गाड़ी वाहन चलाते समय विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चोट चपेट दुर्घटना के भी योग बने हुए हैं, क्योंकि मंगल आपके पीड़ित हो गए हैं। तो 20 अक्टूबर तक आपको विशेष ध्यान देना है। 20 अक्टूबर के बाद मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी 20 अक्टूबर तक रहेगी। उसके बाद आइए जान लेते हैं कि आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 में। दोस्तों, प्रेम प्यार कैसा रहेगा आपका अक्टूबर 2024 में? फिफ्थ हाउस के स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, जो कि सेवन्थ हाउस में विराजमान हैं, और राहु है आपके फिफ्थ हाउस में। कहीं ना कहीं से आपके और आपके पार्टनर के बीच में वाद विवाद लड़ाई झगड़ा रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आप उनके बारे में सोचेंगे, फीलिंग्स रहेंगे, आप उनको याद भी करेंगे, बट कहीं ना कहीं से लड़ाई झगड़े होंगे। क्या होता है कि जब आप लड़ाई करते हैं तो उस टाइम पे तो गुस्सा आता है, कुछ भी बोल दिए, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए अकेले हुए तो कहीं ना कहीं से आप उनके बारे में सोचेंगे या फिर याद करेंगे। तो इस प्रकार से ये चीज़ें रहेंगे, लेकिन फिर भी जब तक राहु देव यहाँ पर उपस्थित हैं तो बीच बीच में लड़ाई झगड़ा तो आप कर ही लोगे। जैसे होता है ना कि एक महीने में एक आध बार लड़ाई हो ही जाती है कुछ लोगों की, तो इस प्रकार से ये चीज़ें रहेगा। अब आइए जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों की पढ़ाई लिखाई कैसे रहेगी। दोस्तों, ये राहु आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि राहु भ्रमित करता है, लोगों को परेशान कर देता है, आपका मन एकाग्र नहीं रह पाता कि करना क्या है आखिर लाइफ में। तो यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड आपका मन बहुत ही ज़्यादा भटकेगा, इधर उधर की चीज़ों में ध्यान भी रहेगा, और दोस्तों ये राहु आपको इतना भ्रमित करके रहेगा, ना तो आप इस पार के रह जाएंगे ना तो उस पार के, क्योंकि लोग अपनी अपनी एडवाइस देंगे और आप भी उस एडवाइस को एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने मन के नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं चलती हैं तो आप दूसरों का सुनने लगते हैं। तो जब तक राहु रहेगा दोस्तों, आपको तकलीफ होगी, परेशानी होगी। अब आइए जान लेते हैं कि क्या संतान योग अभी हैं अक्टूबर 2024 में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो दोस्तों, अभी तो संतान से जुड़े आपको कोई योग नहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। अब आइए जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों की वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का वैवाहिक जीवन बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके सेवन्थ हाउस में विराजमान हैं,
तो आपका वैवाहिक जीवन 100% अच्छा रहने वाला है। आपके लाइफ पार्टनर के करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा या फिर कोई अच्छा मुकाम हासिल करते हुए नज़र आएंगे। व्यापार की बात की जाए दोस्तों, व्यापार में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और बहुत ही शानदार रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा। अब आइए जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों की नौकरी कैसी रहेगी अक्टूबर 2024 में। तो दोस्तों बता दें कि आपकी जो नौकरी है वो भी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि सूर्यदेव आपके 11th हाउस में विराजमान हैं तो और बुधदेव के साथ में, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 11th हाउस कुंडली में अच्छा, बहुत ही अच्छा माना जाता है, मतलब उसमें सारे ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर 17 अक्टूबर के पहले पहले बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि 17 अक्टूबर तक कोई परिवर्तन नहीं रहेगा सूर्य का। तो यहाँ पर आपको नौकरी में मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, अब किसी को अपने जॉब में अच्छा काम करके देंगे, बॉस को समय से पहले करके दे दिए, तो मतलब जब बॉस के हिसाब से सब कुछ अच्छा चलता है तो कहीं ना कहीं से आपको सम्मान देते हैं, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, तो ये चीज़ें आपको जॉब के अंदर मिल सकती हैं। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद दिक्कत हो सकती है, काम का ज़्यादा लोड हो सकता है या फिर काम नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, वो चले जाएंगे 12वें घर में, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आइए जान लेते हैं कि आपका भाग्य कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 में। दोस्तों भाग्य आपका इतना अच्छा नहीं रहेगा, जो भाग्य के मालिक बनते हैं चंद्रमा बनते हैं, जिनका राशि परिवर्तन जल्दी हो जाता है, और यहाँ पर शनिदेव भी आपके 4th हाउस में विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको चीज़ें मिलने में देरी हो सकती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा और भाग्य से जुड़े कार्य अभी मत करवाइए तो ही बेहतर रहेगा। आप अक्टूबर में रुक जाइए, उसके बाद नवंबर में या फिर उसके आगे करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाग्य से जुड़े कार्य में दिक्कत हो सकती है। जैसे आप गाड़ी वाहन खरीदना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।